Hello students, in the previous part we have studied about the immunity, types of immunity and the different types of disease just like as AIDS and cancer. In this part we will discuss about the drugs which are abused. मतलब जो नवयुवक हैं, youth हैं, those are taken the drugs as their fashion. आज के जितने भी youth वर्ग हैं, youth people जो हैं, वो drugs का use करते हैं अपने fashion के लिए. That is a matter of concern. एक चिंता का विषय, because it affects the health of all the people. इस प्रकार ये people की health को affected करते हैं. अब कौन कौन सी drugs हैं, किस वे से ली जाती हैं, कौन क्या क्या है उनका केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ दे आर अफेक्ट अवर बॉडी सिस्टम एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट अबाउट द ड्रग्स एंड अब्यूज. सो यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज. ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट the use of drugs has increased. The use of drugs has increased especially among youth. yani aaj ko jo naujawan hain unke andar drugs ka zyada prayog kiya jata hai. kiske liye? profession ke liye karte hain, especially among youth. this is matter of concern. this is matter of concern as it could cause many harmful effects. commonly abused drugs are जो commonly आजकल जो drugs use किए थे abused drugs वो कौन कौन से हैं. opioids, cannabinoids and coca alkaloids. These are the drugs which are abused and used by the youth for their patients. Firstly, we will discuss about the opioids. These drugs bind to the specific receptors present in our central nervous system and gastrointestinal tract. CNS, central nervous system and gastrointestinal tract, and relieve pain. हमें किसी प्रकार का दर्द होता है तो उस दर्द से छुटकारा मिलता है and relieve pain. so that पेन किलर का काम करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एनाल्गेसिक या यू कैन ऑल्सो से दैट पेन किलर्स. उन्हीं में सबसे पहले ओपाइड में सबसे पहले है मॉर्फिन. मॉर्फिन जो होती है जिन व्यक्तियों की अंडरगोन सर्जरी, कोई बॉडी में सर्जरी की जाती है तो मॉर्फिन प्रोड्यूस की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि पेन से तत्काल ही राहत दिलाती है. इट्स केमिकल फॉर्मूला इज मॉर्फिन का केमिकल फॉर्मूला स्ट्रक्चर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी नोटबुक. यू कैन ड्रा द स्ट्रक्चर फ्रॉम द बुक्स एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C17H19NO3. इट इज एक्सट्रैक्टेड, किससे प्राप्त की जाती है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ कॉपी प्लांट जिसको क्या बोलते हैं, पापावर सोमनीफेरम. कॉपी प्लांट को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है पापावर सोमनीफेरम. इट इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव. SEDATIV सेडेटिव मतलब पक्का राहत दिलाने वाली. किससे? एंड पेन किलर. सेडेटिव एंड पेन किलर. And is very useful. For the patient. उन रोगियों के लिए, उन patient के लिए, who have undergone surgery, जिनकी किसी प्रकार से surgery operation किया जाता है, उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही effective painkiller sedative का काम करती है. Second one is heroin. Heroin भी morphine से produce की जाती है, acetylation किया जाता है. यानी डाई एसिटाइलेशन किया जाता है.
इट्स केमिकल फॉर्मूला इज मॉर्फिन का हीरोइन का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है C21H23NO5 it is obtained by the acetylation of morphine की ही डाई एसिटाइलेशन किया जाता है जिसके कारण से ये व्हाइट कलर का एक ऑर्डरलेस क्रिस्टलिन के रूप में पाउडर बन जाता है जिसको क्या कह सकते हैं स्मैक भी कहते हैं यानी हीरोइन को किस नाम से जानते हैं स्मैक के नाम से जानते हैं तो आपने क्या लिखा इट इज ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक के नाम से कहते हैं विच इज व्हाइट ऑर्डरलेस एंड बीटर क्रिस्टलीन कंपाउंड स्मैक जो होता है व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस और क्रिस्टलीन स्मॉल कड़वे जो बीटर जो है वो व्हाइट कलर ऑर्डरलेस एंड बीटर क्रिस्टलीन कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं इट इज टेकन बाई अब ये बॉडी में कैसे ली जाती है इंजेक्शन लेते हैं या तो स्मैक की या स्नोटिंग सूंघी जाती है इट इज टेकन बाई स्नोटिंग सूंघते हैं लोग और इंजेक्शन या स्मैक के इंजेक्शन लिए जाते हैं इट इज डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से कम कर देना इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन ये व्यक्ति का तनाव जो होता है उसको बढ़ा देते हैं किस्म से और बॉडी का फंक्शन स्लो कर देते हैं दिस इज द हीरोइन एंड मॉर्फिन आर ओपाइड्स कैटेगरी एंड नेक्स्ट वन इज कैनाबिनाइड्स कैनाबिनाइड्स जो होती हैं ये किससे कैनाबिस सैटिवा प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है जिसका प्रयोग इसकी प्लांट्स के इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं प्लांट्स कह सकते हैं फ्लावर कह सकते हैं फ्लावर्स लीव्स और उसके साथ साथ इस प्लांट का रेजिन इसका यूज बहुत से प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है जैसे कि हसीस चरस गांजा मारिजुआना इससे प्रोड्यूस किया जाता है तो कैनाबिनाइड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज C21H30O2 इट्स रिसेप्टर प्रेजेंट इसके जो रिसेप्टर है मैक्सिमम ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं इट्स रिसेप्टर प्रेजेंट प्रिंसिपली इन ब्रेन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंसेस ऑफ द प्लांट यानी कौन से प्लांट से कैनाबिस सटीवा ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटीवा बोलते हैं इसको द फ्लावर टॉप इसमें फूल के ऊपर का हिस्सा लिया जाता है लीव्स ली जाती हैं या रेजिन ली जाती है द फ्लावर टॉप्स लीव्स एंड रेजिन ऑफ दिस प्लांट are used in production of marijuana hashish charas and ganja these are taken yani ye jo drugs hain kaise li jati hain these are taken by inhalation seedhe li jate hain kaise oral ingestion माउथ के द्वारा इनहेलेशन एंड ऑरल इंगेशन देयर इफेक्ट ऑन यानी इन ड्रग्स का इफेक्ट कहां पड़ता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी हमारे हार्ट के वास्कुलर सिस्टम के ऊपर जाके एंड द नेक्स्ट वन इज कोकीन जिसको कोका एल्कलाइड बोलते हैं कोका एल्कलाइड कॉक के नाम से भी जानता है क्रैक के नाम से भी जानता है कोकीन के नाम से भी जानता है कोका एल्कलाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट यानी कोकीन किससे प्लांट से प्रोड्यूस की जाती है कौन सा प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका कोकीन या कोका एल्काइड किसी एक प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम क्या है इरिथ्रोजाइलम कोका ए नेटिव टू साउथ अमेरिका
कहाँ? तो साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट, ए नेटिव टू साउथ अमेरिका कोकीन कॉमनली कॉल्ड, कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, कोक और क्रैक, एंड इट इज यूजली स्नोटिंग, सूंघा जाता है इसको, सूंघ के अंदर मतलब इनहेल किया जाता है। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज, कॉकिन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? C17H21NO4। एक्सेसिव डोजेज ऑफ, यदि इसकी ज्यादा डोज ले लेते हैं, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कॉकिन काजेज, कॉकिन काजेज हेलुसिनेशन, HALLUCINATION, हेलुसिनेशन, इसको यूफोरिया भी बोलते हैं, EUFFORIA, यूफोरिया, मतलब व्यक्ति चाहे वो किसी प्रकार से चल रहा हो, स्टपर्ड चल रहा हो, लड़खड़ा के चल रहा हो, लेकिन अपने आप को ये शो करता है, ही इज वेरी वेल, वो बहुत अपने आप को शो करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दैट इज द यूफोरिया, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है, ये तो तीन थे, उसके बाद कुछ लोग दतूरा के जो सीड होते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं। नंबर फोर पर चलिए, सीड्स ऑफ दतूरा एंड एरियल पार्ट यानी उसके ऊपर का हिस्सा, किसका? एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा का ए बड़ा, बेलाडोना का बी छोटा, दोनों को आप अलग से लिखिए, अंडरलाइन कीजिए, एट्रोपा बेलाडोना आर मिसयूज फॉर हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, लोग अपने आप को शो, वेलबींग शो करने के लिए दतूरा की सीड का भी यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ड्रग इज एक जस्ट लाइक और है, टोबैको, जो कि पिछले 400 सालों से इंडियन पीपल या पीपल लोग इसका यूटिलाइजेशन करते आ रहे हैं। टोबैको को जो चिवड़ किया जाता है, चबाया जाता है, स्मोकिंग किया जाता है, उसके साथ स्नोटिंग, सूंघा भी जाता है, जैसे कि नसवा सूंघी जाती है। ये टोबैको क्या कर देता है, व्यक्ति के अंदर कई प्रकार के डिजीज काज कर देता है, टोबैको टीवी काजेज कर देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लेस हो जाती है लंग्स में, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, तो जस्ट इज टोबैको एडिक्शन। इट हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग मोर देन 400 ईयर्स। इट इज स्मोक्ड, सिगरेट ग्रुप में है, स्मोकिंग किया जाता है, च्यूड, चबाया जाता है, खैनी वगैरह आती है, तंबाकू जो लोग चबाते हैं, एंड स्नफ, सूंघा जाता है, जैसे कि नसवा। इट कंटेन्स, इसके अंदर निकोटीन होता है, वो निकोटीन हमारी एड्रेनल ग्लैंड को जा करके स्टिमुलेट कर देता है। एड्रेनल ग्लैंड उस समय एक्सेस अमाउंट में एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन यानी इपाइनफ्राइन नॉरइपाइनफ्राइन हार्मोन सेक्रेशन ज्यादा करती है, जिसके कारण से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इट कंटेन्स निकोटीन, यानी टोबैको के अंदर क्या होता है, निकोटीन, विच स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड एंड सीक्रेट्स, एड्रेनल ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन सेक्रेशन करती है, आप उसको एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन बोल सकते हैं, या प्लस वन क्लास में पढ़ा आपने इपाइनफ्राइन एंड नॉरइपाइनफ्राइन, विच सीक्रेट इपाइनफ्राइन और नॉरइपाइनफ्राइन हार्मोन्स, विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट रेट। एंड लास्ट इज एल्कोहल, एल्कोहल इज यूज मैनी पीपल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस टू अवर बॉडी सिस्टम बिकॉज इट अटैक्स अवर बॉडी सिस्टम्स एंड डैमेज देम, जस्ट लाइक एज लीवर, और व्यक्ति का लीवर यदि ब्लॉक हो जाता है तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेनी टाइप ऑफ डिजीज। एंड आफ्टर दिस पार्ट देर आर सम जनरल बेसिक लॉजिक हाउ वी कैन प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम ड्रग एडिक्टेड, लोगों को किस प्रकार से ड्रग एडिक्टेड से बता सकते हैं, उनका स्ट्रेस दूर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उनका संबंध बनाया जाए, ऑडियो विजुअल एडिक्शन द्वारा इसके
जो बेड इफेक्ट हैं ड्रग्स के, वो शो किए जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार का इनके प्रति मोह ना आए, उनसे इन दलों हटाना है। तो यू कैन ऑल्सो राइट, यू कैन ऑल्सो लर्न द टॉपिक कि हाउ वी कैन प्रिवेंट द एडोलेसेंस एज और द यूथ एंड अदर पीपल्स फ्रॉम ड्रग एडिक्टिव। दीज आर द जनरल वेज यू कैन राइट दैट फ्रॉम दैट फ्रॉम दिस टॉपिक फ्रॉम द योर एनसीईआरटी बायोलॉजी नोट एनसीईआरटी बायोलॉजी books. Clear? Now this chapter has been completed. You have to complete your notebook and send the pics of the of this chapter at my WhatsApp number up to the Friday. Clear?